भले हमारे देश में ऐसा है कि औरतों को उनकी, लेकिन जितना प्यार यहाँ पर अपने अपनों से किया जाता है वो बाहर उतना है भी नहीं। आई एग्री है पर मुझे हाँ, लेकिन उनके वो जो मैं क्यों, क्योंकि क्या है ना, हमारे देश की जो ओरल सिस्टम है कि वहाँ पे सब कुछ घर काम करने में बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं, ऐसे सपोर्टिव या ऐसे होते हैं कि जो घर काम में वगैरह में मदद कर अपनी माँ को। मैं बोलूँ सर, अपनी माँ का इतना सम्मान करते हैं, उनको इतना मलाल है इस बात का कि वो जो वो जैसे जितना वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं, जितनी एजुकेटेड हैं वो, उनकी माता जी एजुकेटेड है, शी इज अ जेम ऑफ अ लेडी, मैं उनसे मिली हूँ, अपनी माँ का इतना सम्मान, उनको देखते ही, उनको छूते ही उनकी आंखें भीग जाना, अपने पिताजी को हर रविवार को मिलना, ऐसा नहीं है, ये गलत, ये बिल्कुल आप प्लीज़ इसको लिखिए कि मेकर्स हमेशा ऐसी चीज़ नहीं बनाते जिसमें वो बिलीव नहीं करते, मेकर्स वो चीज़ भी बनाते हैं, ऐसे मेकर्स भी हैं जिसमें वो विश्वास रखते हैं, जिसमें उनकी आत्मा है, तो ये जो शो है ना उसमें सर की आत्मा है, उनके पेरेंट्स का जो वो सम्मान करते हैं वही बस उतना उसका अंश वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें भी उससे कुछ लेना चाहिए। और सारे शोज सर के आशावादी होते हैं, समाज में बुराई तो है हम सब जानते हैं लेकिन अच्छाई भी तो है, तो उस पर सर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने अपना जो मानते हैं आत्मा से वैसा शो ये बनाया है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि बिना किसी स्टार कास्ट होने के बाद भी हमारा शो जिस स्तर तक भी पहुंचा है, चैनल की एक हर चीज़ की एक वो होती है, सीमा होती है, जिस स्तर तक भी पहुंचा है वो इसी कारण से पहुंचा है, जो टाइम स्पैन बढ़ रहा है वो शायद इसीलिए बढ़ रहा है कि उसमें सोल है। और मैं ये मानता हूँ कि हम सबको एक, आज जो देश है ना वो जिस कदर आगे जिस दिशा में जा रहा है वो दिशाओं में हमने बहुत कम, काफ़ी टाइम से औरतों का सम्मान, औरतें उनका अधिकार वगैरह के लिए बहुत जहाँ जहाँ से ये मुद्दे उठ रहे हैं वहाँ लोग सपोर्ट कर भी रहे, तो पुष्पा और कल्पना जी जैसे जो रियल लाइफ और रियल लाइफ ये जो किरदार है, इनकी जर्नी जो इतनी आगे जाके अगर हमको लगती है कि हाँ ये बहुत सही बहुत अच्छी है और इनको और आगे ले जाए तो हम हमारे देश में बहुत सारी लाइफ इम्पैक्ट कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आज हमने कल्पना जी को मिलने के बाद लगा कि अरे भाई इनकी जर्नी पुष्पा जी, पुष्पा इम्पॉसिबल शो से इतने लोग इंस्पायर हो कि कल अगले साल हमको लगना चाहिए कि पूरी एसएससी बोर्ड की एग्जाम में बहुत सारी माताएं थी। और नॉट ओनली दैट, हम तो ये मिशन करना चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्लास होना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा, सच में मज़ा आएगा, जिन पेरेंट्स को पढ़ना है वो स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं। मैं इन पर्सन, तो मेरे पास इतना समय नहीं कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे आके लोग मिले, लेकिन जैसे आजकल माध्यम है, इंस्टाग्राम है, मोबाइल, जितने भी मैसेजेस मुझे आते हैं, और बाजार में जब कभी हम शूट करते हैं, अभी हम ज्वेलरी शॉप में शूटिंग कर रहे थे तो एक बच्ची मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझे अपनी माँ के लिए तो नहीं लेकिन अपने पिता के लिए कहा कि मैंने आपका शो देखा। सोचिए इतना बच्चा, हर एज ग्रुप के बच्चे, मतलब लोग हमारा शो देख रहे हैं, कितनी बड़ी हमारे सौभाग्य की बात है। वो आई और उन्होंने मुझे बोला कि आपका शो देखने के बाद मैंने अपने पापा को कहा कि आप होटल मैनेजमेंट फिर से पढ़िए जो आपने छोड़ दिया था, जो आपका सपना था। ये यहीं की बात है, अभी हम ज्वेलरी शॉप में शूटिंग कर रहे थे पैटर्न बेड पटोली की। और ऐसे इंस्टाग्राम में आपको शेयर कर पाऊँ अगर स्क्रीनशॉट कभी, तो कभी हमारी जर्नी जब आएगी, ऐसे ऐसे मैसेज हैं। कोई पंजाब से कहता है कि मेरी माँ गुजर गई, मेरी बेबे ऊपर से आपको देख रही होंगी और मेरी बेबे आपके जैसी थी, तो वो मुझे बेबे कहकर, मैं अब मेरी मजबूरी है कि मैं हर किसी का मैसेज एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि अजनबी तो हैं ही सब, लेकिन इतना अच्छा लगता है पढ़कर। वो कोई अपनी मुझे गई हुई माँ से कंपेयर कर रहा है, कोई हमारे शो को बोल रहा है, सारी कास्ट को बोल रहा है, इतने मैसेजेस आते हैं हमें। हम बहुत चाहेंगे कि एक दिन ऐसे स्क्रीनशॉट्स हम यहाँ पर प्रोजेक्टर में दिखा पाएं आपको। काम से कुछ परिस्थिति की वजह से आपका स्कूल छूट गया, लेकिन आपको मोबाइल चलाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, आपको जब ऐप डाउन करना आता है, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, खाली ऐड आता है, दिमाग में रखते हैं, ये पढ़ाई भी दिमाग में रखो। उस ऐसा कि आपने, कोई गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है कि यही साल में यही उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा जैसा वोटिंग रहता हो 21 ईयर्स के बाद आप कर सकते हो वोटिंग, कितने जब तक जिंदा है तब तक, तो जिंदा है तब तक दिमाग है तो पढ़ो, हर किसी की मदद करो। देखो हमारे घर में हम आजी बनेंगे, अभी आजी बनेंगे तो उसको बोलेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हम बोलेंगे तो वो बोलेगी ना, वो बोलेगी मेरे आजी ने सिखाया।